उसके बारे में कि क्या कुछ हुआ है नेचर, उसके बारे में बताइए। पहले तो आई थिंक बायो ऑयल के साथ ये जो एक्टिविटी है इट इज़ अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग लिटरली. तो आई थिंक कि हम लोग यू नो आई एम अ न्यू मदर, यू नो आई हैव अ 6 month old, लेकिन आई मेट मदर्स हु आर एक्सपेक्टिंग एंड द जर्नी जो मेरी थी और जो उनकी है, उनसे बात करके ये पता चला कि हम अकेले नहीं हैं. सारी दुनिया जितने भी माएँ हैं दे ऑल गो थ्रू देयर यू नो देयर हार्डशिप्स एंड दे ऑल ऑल्सो गो थ्रू दैट ब्यूटिफुल जर्नी. सो इट्स रियली गुड. तो हमने ये बातचीत की, ये एक्सपीरियंस किया एक दूसरे के साथ, वेदर इट वॉज़ अबाउट चेंजेस इन द बॉडी, वेदर इट वॉज चेंजेस इमोशनली, मूड स्विंग्स, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन जो आपको कोई नहीं बताता, जो सिर्फ आप जब एक्सपीरियंस करते हैं आपको पता चलता है. और कितनी मेमोरीज रिकलेक्ट की यू नो जब आप शेयर कर रहे थे बहुत तो। सारी. आई थिंक जितने मैंने मदर्स से बात की और टू बी मदर्स से बात की, उनसे यही पता चला कि सबके एक्सपीरियंसेस वेरी सिमिलर भी होते हैं और वेरी डिफरेंट भी होते हैं ऑन मैनी लेवल्स. यू नो थैंकफुली मुझे लाइक मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी. ऐसे कोई मदर्स है जिसको मॉर्निंग सिकनेस थी, तो देर आर सम थिंग्स दैट आर डिफरेंट, बट द होल पैकेज इज़ द सेम. यू नो वेदर इट्स बैक पेन, वेदर इट्स लाइंग ओनली ऑन योर बैक एंड स्लीपिंग. आई मीन फॉर मी, मेरी आदत थी हमेशा पेट पे लेट के सोना, विच आई कुडंट डू. तो आई यू नो एंड लैक ऑफ स्लीप. सो स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आप सोच भी नहीं सकते व्हेन व्हेन यू आर नॉट अ प्रेग्नेंट पर्सन और व्हेन यू आर नॉट अ मदर. ओके सानिया, आप और एक चीज़ बताना चाहूँगी वो ये है, पेरेंटहुड कितना एंजॉय कर रही है। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, लग नहीं रहा कि मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ. मैं ही इज़ आई एम इन लव, लाइक आई एम सो इन लव. एंड इट इज़ द मोस्ट सेल्फलेस काइंड ऑफ लव दैट आईव एवर नोन. इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल काइंड ऑफ लव आईव एवर नोन. एंड आई फील एक्सट्रीमली ब्लेस्ड एंड आई यू नो आई कॉन्ट थैंक गॉड इनफ फॉर ब्लेसिंग मी विद सच अ ब्यूटिफुल बेबी. चेंजेस कितने आए हैं यू नो बेबी के बाद? आए हैं ऑफकोर्स, चेंजेस कैसे नहीं आएंगे. आपको रात में नींद के चेंजेस हैं, यू नो आपका हर जो स्केड्यूल होता है वो सारा बेबी के अतराफ यू हैव टू सॉर्ट ऑफ मैनेज इट. तो चेंजेस तो आए हैं लेकिन दे ऑल फॉर द बेटर. आई थिंक देव मेड मी अ बेटर पर्सन, देव मेड मी, देव इवॉल्व मी एज अ ह्यूमन बीइंग एंड यू नो आई वुडंट हैव इट एनी अदर वे. ओके, मदर्स डे भी आ रहा है अब, फाइनली आप भी मदर बन चुकी हैं, तो वो कैसी फीलिंग है यू नो? बहुत अच्छी. आई थिंक मैं मदर्स डे को अब दिल से अप्रिशिएट कर सकती हूँ बिकॉज आप अब समझ सकते हैं कि द काइंड ऑफ थिंग्स दैट योर मदर्स एंड योर पेरेंट्स हैव डन फॉर यू. सो या सो आई थिंक मदर्स डे इज समथिंग दैट comes with a lot of emotion for me right now, especially it's my first Mother's Day. ओके सानिया, आल्सो अभी 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 हाल ही में आप एक अनस्टॉपेबल अनन्या बिरला के अनस्टॉपेबल सिंगल्स में नजर आई थी, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी क्योंकि उन्होंने कहा कि इंस्पायरिंग स्टोरी है, इंस्पायरिंग वुमेन्स है उसमें, तो उसके बारे में मदर्स डे का सिर्फ रखते हैं. ओके क्या एक जल्दी बस करें? ठीक है, नहीं बस नहीं करना. ओके लास्ट टू क्वेश्चन. ओके सो सानिया, जैसे कि आपने मदर्स के बारे मदर डे के बारे में बताया कि आप यू नो बहुत ही स्पेशल रहेगा, आप अपने मॉम के लिए क्या कुछ स्पेशल करने वाली हैं? मैं होपफुली मेरे मॉम के साथ रहूँगी मदर्स डे अगर इफ़ आई एम नॉट ट्रैवलिंग, लेकिन आई ट्राई एंड स्पेंड टाइम विथ हर, क्योंकि ये मुझे करने का मौका बार बार नहीं मिलता बिकॉज वी डोंट इवन लिव ऑलमोस्ट इन द सेम हाउस यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड आई एम ट्रैवलिंग सो मच एंड शी हैज़ अ ओन थिंग. दिस टाइम इफ़ आई एम देयर आई डेफिनेटली टेक हर आउट एंड आई टेक माई सन अलॉन्ग इज वेल, क्योंकि आई थिंक दैट इट विल बी 3 generations एंड आई मीन आई एम अ मदर टू, सो इट्स माई मदर्स डे इज वेल. ओके, और इसके अलावा यू नो कल से रमजान स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी कुछ स्पेशल प्लानिंग की है? स्पेशल प्लानिंग कुछ नहीं होती रमज़ान की. आप यू नो इट्स गोइंग टू बी आई एम एट होम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लाइक आई सेड फॉर रमज़ान, सो आई बी एबल टू फास्ट ऑल द इंशाल्लाह 30 फास्ट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू सो मच.